पार्टी के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने 10 मई को अपने वजीर आजम और सीनियर वुजरा को लंदन तलब किया और ये तमाम लोग 12 घंटे के नोटिस पर लंदन हाजिर हो गए। सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक वजीर आजम झुक कर कायद से मिले। कायद ने अपने वजीर आजम को थपकी दी और तस्वीर मीडिया को रिलीज कर दी गयी। ये यकीनन छोटे भाई का बड़े भाई से मोहब्बत का इजहार होगा, लेकिन इस मोहब्बत को मीडिया में रिलीज करने की क्या जरूरत थी। रुपया और स्टॉक एक्सचेंज फ्री फॉर ऑल थी। रुपया रोजाना 3 रुपए गिर रहा था, स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में 2500 पॉइंट्स नीचे आ गई। मुल्क में हुकूमत जा रही है, जैसी सनसनी फैल गई। आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर हो गए। इत्तेहादियों ने एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर दी। सिफारतकार हैरानी से दाएं बाएं देखने लगे और पार्टी घबराहट में मीडिया से गायब हो गई। लेकिन लंदन में 3 दिन तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स चलती रहीं और हर मीटिंग से पहले सीनियर तरीन कायदीन से हल्फ लिया जा रहा था। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? शायद मियां नवाज शरीफ अवाम, इत्तेहादियों, पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते थे, ताकत का असल सरचश्मा मैं हूँ। हुकूमत, इत्तेहाद और पार्लियामेंट का फैसला पीडीएम या शहबाज शरीफ ने नहीं करना, मैंने करना है। और कायद की इस सियासी लज्जत में मईशत का रहा सहा भरम भी खत्म हो गया। सवाल ये है, ये काम जब अल्ताफ हुसैन करते थे तो नून लीग एमक्यूएम का मजाक उड़ाती थी, और आज अगर ये लोग इस मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, कायद लंदन में बैठकर रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो क्या नून लीग को इस अजीम कारनामे पर मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। मुल्क में इस वक्त अमलन 2 वजीर आजम, 2 वजीर खजाना, 2 वजराए आला और 2 सदूर हैं। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने से लेकर वजारतें देने और वापस लेने तक के फैसले मियां नवाज शरीफ लंदन से कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना है, लेकिन फैसला साजी इसहाक डार के हाथ में है। हमजा शहबाज 12 करोड़ लोगों के वजीर आला हैं, लेकिन पी के एल आई और मरी के हालात से लेकर अफसरों के तबादले तक तमाम फैसले मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और आरिफ अलवी सदर हैं, लेकिन सदारती इख्तियारात इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में सिर्फ 2 ओहदे बचे हैं, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस। अगर खुदा न ख्वास्ता ये भी इसी सूरत हाल का शिकार हो गए तो मुल्क का क्या बनेगा। ये सूरत हाल मजीद कितना अरसा चल सकेगी? मेरा ख्याल है ये हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। हुकूमत किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। क्यों? इसके 6 बड़े इशारे हैं। पहला इशारा, ये सिस्टम अगर चल सकता तो मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आ चुके होते। ये अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है नून लीग ने असेंबलियां तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। दूसरा इशारा, पंजाब में हुकूमत बने 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूबा अभी तक काबीना के बगैर चल रहा है। ये हकीकत भी बोल रही है, सूबाई काबीना के मामले पर डेडलॉक मौजूद है और ये डेडलॉक हुकूमत को जल्द फारिग कर देगा। तीसरा इशारा, इमरान खान अपनी तकरीरों से मुल्क को तंवर में झोंक रहे हैं। हम सब तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई इमरान खान को रोक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की तरफ, मगर कोई भी ये ढोल अपने गले में बांधने के लिए तैयार नहीं। मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान की जिम्मेदारी अपने सर लेने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है ये जिनकी तख्लीक है वो जाने और ये जाने, रीत जाने और कलंदर जाने, हमें इससे उलझने की क्या जरूरत है। लिहाजा अगर हुकूमत का चलने का इरादा होता तो पीटीआई के लिए अकेला राणा सनाउल्लाह ही काफी था, मगर ये लोग गालियाँ खा कर भी खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस कार्य खैर के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है हुकूमत ये है, लिहाजा इमरान खान इनकी जिम्मेदारी है, हुकूमत को चलाना हमारी ड्यूटी नहीं। चौथा इशारा, ये तासुर नून लीग के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हमारे साथ हाथ हो गया, हम साजिश का शिकार हो गए हैं। ये लोग अब खुलेआम कह रहे हैं हम पर पहले केस बनाकर हमें बदनाम किया गया और अब हमारी सियासी साख का जनाजा भी निकाल दिया गया। इमरान खान हुकूमत जब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई तो इसे निकाल कर हीरो बना दिया गया और फिर हमारा सर चट्टान के नीचे दे दिया गया। ये लोग इन 3 टेलीविजन चैनल्स का नाम भी लेते हैं जो दिन रात इमरान खान को कवरेज दे रहे हैं। इनका कहना है ये चैनल रियासत के जेर असर हैं। रियासत इन्हें क्यों नहीं रोक रही? ये पीटीआई के इन एमएनएस का हवाला भी देते हैं जो रियासत के उम्मीदवार हैं। ये लोग आज भी पीटीआई में क्यों हैं और ये इमरान खान के एजेंडे का झंडा उठाकर क्यों फिर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं इमरान खान को हीरो बनाया जा रहा है और 10 सियासी जमातों की कब्र खोदी जा रही है? पांचवा इशारा, पाकिस्तान रोजाना 4,32,000 बैरल पेट्रोल खर्च करता है। हम मुल्क में सिर्फ 70,000 बैरल पेट्रोल पैदा करते हैं, लिहाजा हमें रोजाना 3,62,985 बैरल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है।
इसकी वैल्यू रोजाना $39 मिलियन बनती है। हम अगर $39 मिलियन को 30 से जरब दें तो ये $1,17 करोड़ बनते हैं, जबकि गैस और बाकी इम्पोर्ट्स इसके अलावा हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास डॉलर तकरीबन खत्म हो चुके हैं और दोस्त ममालिक और IMF हमें इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचा हम अगर फौरी फैसले नहीं करते तो हम 1.5 माह बाद पेट्रोल इम्पोर्ट नहीं कर सकेंगे और यूं बिजली भी बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी, गाड़ियां भी नहीं चलेंगी और फ्लाइट भी मौतल हो जाएंगी। हमारे पास बचने का एक ही हल है, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और IMF से मुजाकरात करें, लेकिन नून लीग इस गैर मकबूल फैसले का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। ये चाहती है ये फैसले तमाम इत्तेहादी मिलकर इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, और छठा और आखिरी इशारा इत्तेहादी वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ये हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग खुद भूखे शेरों के दरमियान अकेला महसूस कर रही है, लिहाजा मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। मेरा जाती ख्याल ये है, सिस्टम 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकेगा। ये लोग अबूरी हुकूमत बनाकर मुश्किल फैसले इसके कंधों पर डाल देंगे और अगर एस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत रखना चाहती है तो फिर इसे खुलकर हुकूमत का साथ देना होगा। इमरान खान की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाना होगी और इत्तेहादियों को वजीर आजम के साथ बिठा कर कड़वे फैसलों के कड़वे घूंट भी भरना होंगे, वरना ये हुकूमत गई और इसके बाद हम श्रीलंका होंगे।